सब्सक्राइब करें टेक ईयर चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश टेक इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं करने जा रहा हूं रेडमी नोट 5 का और रियल मी 1 का कंपैरिजन। जी हां, कंपैरिजन। रियल मी 1 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और नोट 5 4GB रैम, ओ सॉरी 3GB रैम 32GB रोम। ठीक है, तो आइए मैं इनके डिस्प्ले से पहले बात कर लेता हूँ। तो रियल मी 1 में 6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और नोट 5 में 5.99 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। तो रियल मी 1 बेसिकली आगे चला जाता है। और परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो रियल मी 1 और नोट 5 से रियल मी बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि रियल मी 1 में आपको हीलियो P60 का प्रोसेसर मिलता है और नोट 5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलता है। और रियल मी 1 को 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और नोट 5 को 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैमरा की बात कर ले तो रियल मी 1 में 13MP का रियर कैमरा है और 8MP का फ्रंट कैमरा है। और नोट 5 में कैमरा देख लें तो रियल में 12MP का है और फ्रंट में 5MP का है। तो कैमरा के मामले में भी रियल मी 1 आगे चला जाता है। अगर बैटरी में देखा जाए तो जी हाँ, बैटरी में अगर देखा जाए तो रियल मी 1 थोड़ा पीछे रह जाता है। जी हाँ, थोड़ा पीछे रह जाता है और नोट 5 आगे चला जाता है, क्योंकि नोट 5 में 4000mAh की बैटरी मिलती है और रियल मी 1 में 3410mAh की बैटरी मिलती है। तो रियल मी 1 3GB रैम 32GB रोम 8990 रुपये में मिलता है और नोट 5 11999 रुपये में मिलता है। जी, अगर हम और देख ले तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रियल मी 1 में एंड्रॉयड V8.1 ओरियो रनिंग कर रहा है और नोट 5 में एंड्रॉयड V7.1.2 नोगा रनिंग कर रहा है। इसमें नोट 5 में UI 9 मतलब रनिंग कर रहा है और कलर OS रियल मी 1 में रनिंग कर रहा है। दोनों में ही 4G अवेलेबल है और रियल मी 1 में डबल 4G का भी फीचर है। जी हाँ, डबल 4G का फीचर है और साथ में रियल मी 1 में फेस अनलॉक भी है। जी हाँ, फेस अनलॉक। और रियल मी 1 ने एक ही गलती कर दी, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया, नहीं तो तीर मार देती। जी हाँ, और नोट 5 में फेस अनलॉक नहीं है, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि फेस अनलॉक भी आ जाएगा इसमें, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट है। जी हाँ, 0.1 सेकेंड में अनलॉक हो जाता है। या हमारे पास है, अभी हम आपको दिखा देंगे। इसकी थिकनेस की बात कर लें तो नोट 5 8mm थिकनेस है और रियल मी 1 में 7.8mm थिकनेस है। जी हाँ, और वेट की बात कर ले तो रियल मी 5 180g का है और रियल मी 1 155g का है। जी हाँ, नोट 5 180g का है और रियल मी 1 155g का है। और नोट 5 मेटल से बना हुआ है, दरअसल रियल मी 1 प्लास्टिक की बॉडी से बना हुआ है। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले तो डिस्प्ले 18:9 दोनों की है, बढ़िया डिस्प्ले है। 402 PPI रियल मी 1 का है और 403 PPI नोट 5 का है। IPS LCD दोनों में है। नोट 5 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाती है और रियल मी 1 में हमें नहीं मिल पाती है। तो ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका टेक इंजीनियर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद दोस्तों। लाइक करें टेक ईयर चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।